गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मयंत्रा हॉल, जो मैंने फर्स्ट टाइम मयंत्रा से कुर्तीज मंगाया है मैंने। एंड मुझे मयंत्रा शॉपिंग करके बहुत अच्छा लगा, लाइक उनकी क्वालिटी कपड़ों की बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी। लाइक मैंने चार कुर्तियाँ मंगाई है यहाँ पर, एंड चारों मैंने कॉटन में मंगाई है। सो इनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड प्योर कॉटन में है गाइस। आप इसको समर में भी पहन सकते हो, विंटर में भी पहन सकते हो, एंड कभी भी वेयर कर सकते हो, लाइक कभी भी। सो मैंने वहां से चार कुर्ती मंगाई है, एंड आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस प्लीज। एंड सब्सक्राइब के साथ में एक बेल बटन है, उसको भी जरूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो ज्यादा बातें ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस जो मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट मंगाया है मिंत्रा से वो है ये कुर्ता, और ये कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा। एंड इसको मैंने काफी बार वेयर भी कर लिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, एक तो प्योर कॉटन के अंदर है, एंड पहनने के बाद ना बहुत ही स्टाइलिश लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, लाइक बहुत अच्छा। सो इसमें आपको नेक मिलता है, इस नेक को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आई थिंक बैंड नेक कहते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो यहाँ पर ये बैंड नेक है, एंड बटन्स का वर्क, बटन्स यहाँ पे दे रखे हैं आपको ताकि आपको पहनने में प्रॉब्लम ना हो, आप इसको खोल के आराम से पहन सकते हो। एंड यहाँ पर इसकी स्लीव्स जो दे रखी है वो 3/4 दे रखी है, काफी अच्छी है। मतलब लेंथ मुझे इतनी पसंद है, स्लीव्स कुर्तीज में मुझे इतना ही पसंद है लेंथ, बहुत अच्छा लगा था ये कुर्ता। एंड बहुत ही प्यारा है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पर कहीं पे भी दिख जाएगा। सो ये बहुत अच्छा कुर्ता है, मैंने वहां से फर्स्ट ये मंगाया था, आई लव द कुर्ता। पजामा इसका कुछ इस तरह का है, मुझे इस तरह का पजामा रिसीव हुआ था, बेस्ट है। एंड जो इसका बॉटम है वो नीचे से कुछ इस तरह का है, सो ये कुछ बलून टाइप का है ये, एंड ये कुछ डिफरेंट बॉटम है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसको मैंने किसी को देख के ही मंगाया था, किसी यूट्यूबर ने ही पहना था तो मैंने उनको देख के ही मंगाया था, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट यहाँ पर ये मंगाया था। कलर बहुत प्यारा है इसका, कलर के साथ में आपको यहाँ पे डिटेलिंग मिल रही है, इस तरह का फ्रंट पे आपको सारा प्रिंट मिल रहा है, एंड स्लीव्स पे भी कुछ इस तरह का वर्क हो रखा है। एंड इसको ही मैंने तीन से चार बार वेयर कर लिया है। एंड आपको साइड में आपको अपनी वेस्ट पे या वेस्ट पे ना आपको एडजस्टेबल एक डोरी मिल जाएगी इस तरह की हैंगिंग, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो लूज एंड टाइट, आप जैसे चाहो आप वैसे वेयर कर सकते हो इसको। सो ये कुछ इस तरह का डिटेलिंग है, एंड फ्रंट पे आपको बटन से मिल जाते हैं इस तरह के। सो यहाँ पर आपको चार बटन मिल जाते हैं जो बहुत सुंदर लग रहा है। एंड ये पूरा लॉन्ग कुर्ता है, ये कुछ इस तरह का है ये। सो ये ए लाइन कुर्ता है, एंड इसमें आपको नीचे इस तरह का सारा प्रिंट मिल रहा है जो बहुत सुंदर लगता है। बैक बिल्कुल प्लेन है गाइज इसकी, ये भी आपको आगे स्क्रीन पे दिख जाएगा कि आफ्टर वेयरिंग ये कैसा लग रहा है। बट ये मुझे थोड़ा टाइट है इसलिए मैं इसको कम पहनती हूँ, क्योंकि मुझे टाइट कपड़े इतने पसंद नहीं है। एंड ये कुर्ता है इसका, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, ये भी प्योर कॉटन का है, एंड आई लव द मटेरियल। एंड जो इसका बॉटम है गाइस वो भी बॉर्डर ग्रीन कलर का है, कुछ इस तरह का बॉटम है इसका। एंड इसके भी आपको नीचे इस तरह का प्रिंट मिल जाएगा, दोनों साइड हो रखा है ये दोनों साइड, एंड ये आपको बस इतना ही दिखेगा नीचे, क्योंकि ये इतना लॉन्ग है कि आपको सिर्फ इतना सा ही शो होता है, बाकी पूरा कवर हो जाता है। सो सेकंड मैंने वहां से ये लिया था।
उसमें कुछ वर्क नहीं हो रखा, वो कुछ ये कुछ इस तरह की कुर्ती है, ये आपको दिख जाएगा, इस कुछ सिंपल सी है, अनारकली में है ये, आपको नीचे से नीचे इसकी लेंथ है एंड ये सिंपल सी कुर्ती है, बट गाइज ये वेयर करने के बाद इतनी सुंदर लगती है, इतनी सुंदर है। एंड जो इसकी स्लीव्स दे रखी है गाइज, ये बहुत ही लॉन्ग स्लीव्स दे रखी है, लाइक इतनी बड़ी स्लीव्स है ये, एंड इसमें आपको बहुत सारी गैदरिंग बनती है। बट जब ये मुझे रिसीव हुआ था ना, सो ये मुझे बहुत लूज था, लाइक बहुत ही ज्यादा लूज था, मैंने इसको ऑल्टर कराया, सो नाउ यहाँ से तो पूरा फिटेड हो गया है, बट स्लीव्स मुझे अभी भी लूज है, तो मैं इसकी स्लीव्स अभी टाइट कराऊंगी, फिर से फिटिंग कराऊंगी इसकी स्लीव्स की। एंड मैंने यहाँ जितनी भी कुर्ती ली है ना गाइस, आप इनके साथ जंग ज्वेलरी वेयर करिए, बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही प्यारी ऑफ द कुर्ती। एंड मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये कलर बहुत पसंद है, वाइन रेड कलर, आई लव द कलर। ठीक है, साथ मैंने वेयर करी थी ब्लैक कलर की प्लाजो, आप चाहो तो प्लाजो भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो पजामे भी यूज कर सकते हो, मुझे पर्सनली प्लाजो बहुत पसंद है, इसलिए मैंने प्लाजो वेयर करते नीचे, और मैं आपको बताना भूल गई थी, ये सिर्फ सिंपल कुर्ता है, मेरे पास ब्लैक कलर का प्लाजो है रखा हुआ, सो मैंने वही वेयर करा था इसके साथ में, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। अगर आप कुछ भी इस तरह की कुर्ती लेते हो ना, तो आप एक बार प्लाजो के साथ जरूर वेयर करके देखिएगा, बहुत ही प्यारा लुक आता है, चाहो तो प्लाजो भी वेयर कर सकते हो या फिर पजामे भी, ये आपके ऊपर है। सो ये मैंने ये नेक्स्ट लिया था। येलो काइंड ऑफ कलर है, येलो फॉन और माउस कलर, या माउस कलर ही कहेंगे इसको, सो ये कुछ तीन चार कलर मिक्स है इसमें, एंड ये भी ए लाइन कुर्ता है, और इसकी फिटिंग A1 फिटिंग है, लाइक बहुत ही प्यारी फिटिंग है, बट ये भी मुझे लूज था, फिटिंग करवाई है, एंड ये कुर्ता पर बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लुक आता है, बहुत ही सुंदर लगता है ये कुर्ता, बहुत ही प्यारा। सो ये आपको ऑफ शोल्डर में मिलता है कुछ इस तरह का, एंड इसके साथ आपको ये स्ट्रैप मिलती है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, लूज टाइट जैसा भी चाहो वैसा, एंड इसकी स्लीव्स बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट सी है, इस तरह की स्लीव्स है, बलून स्लीव्स है, प्लीट्स बनी हुई है यहाँ पर, बहुत सुंदर लगता है गाइस ये कुर्ता पहनने के बाद। और ये भी मैंने आई थिंक 550 या फिर 650 का राउंड लिया था डिस्काउंट में, इसी तरह का रेंज है। बाकी अगर मेरे पास पिक्चर होगी तो मैं स्क्रीन पे शॉर्ट स्क्रीन पे लगा दूंगी सबकी, तो आप देख लीजिएगा मैंने कितनी कितनी की कौन कौन सी कुर्ती परचेज करी है। सो इसको भी मैंने ब्लैक कलर के प्लाजो के साथ वेयर करा था, तो मैंने इसको जो वेयर करा है वो करा है ब्लैक कलर के प्लाजो के साथ वेयर करा है, आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख जाएगा। मुझे बिलो द कमेंट जरूर बताएं कि आपको कौन सी ड्रेस पसंद आई है, एंड मेरा फर्स्ट जो एक्सपीरियंस रहा है मैंत्रा के साथ बहुत ही अच्छा रहा है, लाइक बहुत ही अच्छा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है मैंत्रा से शॉपिंग करके, एंड मैं आगे भी जरूर करूंगी, मुझे कुर्ती चाहिए होगी तो मैंत्रा से ही लूंगी, बिकॉज एक तो वहां पे आपको रेंज बहुत ही
सही मिल जाते हैं एंड ऊपर से आपको क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती है, क्वालिटी में भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ता। सो दैट्स व्हाई मैं नेक्स्ट टाइम भी जरूर वहीं से शॉपिंग करूंगी। एंड ये था गाइस मेरा आज का मयंत्रा हॉल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब के साथ में एक बेल बटन है उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस बाय बाय।